वेक्टर के चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्याज में थ्रिप्स के नियंत्रण के लिए जैविक और रासायनिक कीटनाशियों पर बात करेंगे और किस तरीके से उनका प्रयोग किया जाए कि रिजल्ट अच्छे से अच्छा मिले, इसकी बात करेंगे। तो जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है, आप देख रहे होंगे कि प्याज में थ्रिप्स की समस्या विकराल रूप लेती जा रही है, और इसका सबसे बड़ा कारण पौधे की ज़रूरत के अनुसार पानी की पूर्ति ना हो पाना है। आपको पता ही है कि पौधा न्यूट्रिशन पानी के माध्यम से लेता है, और अगर उसका पानी कट होगा, उसको पानी कम मिलेगा, तो न्यूट्रिशन अपटेक कम हो जाएगा, पौधा तनाव में आ जाएगा, स्ट्रेस में आ जाएगा, उसकी जड़ें मरेंगी और उसकी प्रतिरोध क्षमता कम हो जाती है। इस मौके का फ़ायदा थ्रिप्स और फंगस उठाते हैं और वो अपनी संख्या तेज़ी से बढ़ाने लगते हैं। किसानों की समस्या ये है कि जब प्याज लगाई जाती है उस समय पानी की पर्याप्तता होती है और उनका शेड्यूल जो शुरू में फिक्स हो जाता है वही आखिरी तक चलता है, तो उनके पास भी सीमित पानी उपलब्ध होता है लेटर सीजन में, पर यही समस्या का कारण भी है। तो अगर आप कर सकते हैं तो पानी की फ्रिक्वेंसी और मात्रा अगर आप बढ़ा दें, धीरे धीरे पानी दें, लंबे समय तक का गैप ना रखें, मतलब खेत में अगर आप, हाँ, जो अपना ड्रिप इरिगेशन है या फिर फ्लड इरिगेशन, मतलब जो नीचे से पानी दिया जाता है सतह से, वही लेटर स्टेजेस में, मतलब बाद की अवस्था में कारगर होता है। आप स्प्रिंकलर के माध्यम से प्याज की पानी की पूर्ति नहीं कर पाएंगे, तो नीचे से पानी पिलाने की कोशिश करें। नाइट्रोजन का प्रयोग 90 दिन के बाद बिल्कुल ना करें, खास तौर पे यूरिया और कैल्शियम नाइट्रेट के प्रयोग से बचें, इनकी अधिकता से भी प्याज में थ्रिप्स का नियंत्रण कठिन हो जाता है। ऐसा देखा गया है कि अत्यधिक मात्रा में नाइट्रोजन प्रयोग करने से प्याज में थ्रिप्स की संख्या 2 गुनी तक बढ़ जाती है। आइए अब हम कीटनाशियों की बात करें। शुरू करते हैं प्रोफेनोफॉस से। प्रोफेनोफॉस थ्रिप्स के नियंत्रण के लिए प्रयोग किया जा सकता है। फॉस ग्रुप में अपन सिर्फ इसी की बात करेंगे, बहुत ज़्यादा जहरीले रसायनों का प्रयोग प्याज में नहीं करना चाहिए, इससे पौधे पे भी तनाव आता है और दूसरा उसकी क्वालिटी इंसानों के कंजम्पशन के लायक नहीं बचती, इसलिए प्रोफेनोफॉस तक ठीक है। कोशिश तो यह हो कि इसका भी प्रयोग ना हो, पर ठीक है, प्रोफेनोफॉस हो गया। फिर आपका परमेथ्रिन, साइपरमेथ्रिन और लेमडा साइलोथ्रिन, ये थ्रिप्स की डायरेक्ट किलिंग के लिए काफ़ी कारगर हैं। फिर इसके बाद इमिडाक्लोप्रिड, थायोमिथोक्सेम और फिप्रोनिल, इनका प्रयोग किया जा सकता है। जितने भी नाम लिए जा रहे हैं, आप ये समझिए कि इनको आपस में कॉम्बिनेशन में मिला के भी प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन 2 से ज़्यादा कॉम्बिनेशन ना करें तो बहतर है, और हर एक रसायन को 3 बार से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, ये बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी नाम हैं, जितने भी रसायनों के नाम हम ले रहे हैं, प्याज की थ्रिप्स में इनके प्रति प्रतिरोध विकसित करने की क्षमता होती है, यानी अगर आप असमय इस्तेमाल करेंगे, बार बार इस्तेमाल करेंगे, या कोई दवाई आपके एरिया में लगातार इस्तेमाल की जा रही है, तो ज़रूरी नहीं कि उसका प्रॉपर रिजल्ट आएगा। थ्रिप्स उससे लड़ने की क्षमता विकसित कर लेती है और इनका असर कम होता जाता है, तो सावधानी से प्रयोग करें, कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा ना बनाएं और ज़रूरत के अनुसार ही प्रयोग करें, 3 बार से ज़्यादा रिपीटिशन ना करें, और सही तरीके से स्प्रे करें, जिसकी चर्चा हम वीडियो के आखिरी में करेंगे। तो अपन ने रासायनिक नाम अभी अपन ने लिए, अब थोड़ा सा कम जहरीले रसायनों के नाम भी ले लेते हैं, वो भी थ्रिप्स के नियंत्रण के लिए प्रयोग किए जा सकते हैं, उनका रिजल्ट बहुत अच्छा है। उनके नाम है स्पिनोट्रेम, स्पिनोसेड, एबामेक्टिन, इमामेक्टिन और एजाडेरेक्टिन। ये सब रसायन जो अपन ने 5 नाम लिए, ये कम जहरीले हैं और थ्रिप्स के नियंत्रण में बहुत कारगर पाए गए हैं। इनको आप रासायनिक कीटनाशियों के साथ में एक एक करके मिक्स करके प्रयोग कर सकते हैं। एजाडेरेक्टिन डायरेक्ट तो नहीं मारता थ्रिप्स को, लेकिन अंडों की हैचिंग, उसके थ्रिप्स की फीडिंग, मतलब भोजन करने की जो क्षमता है उसको प्रभावित करता है, उसकी जो स्टेजेस हैं, मतलब प्यूपा, लार्वा, इनको प्रभावित करता है और वो आगे नहीं बढ़ सकता। डायरेक्ट किलिंग करने के लिए जैविक में एक अच्छा उपाय बवेरिया बेसियाना है। अगर आपके यहाँ बहुत तेज़ धूप नहीं हो रही और खेत में नमी है, तो आप बवेरिया बेसियाना का प्रयोग कर सकते हैं, ये थ्रिप्स को कंट्रोल करने के लिए बहुत कारगर है।
तो अपन ने देखा कि प्रोफेनोफास, साइपरमेथ्रिन, परमेथ्रिन, स्पाइरोटेट्रामेट, स्पिनोट्रैम, स्पिनोसेड, इमामेक्टिन, एबामेक्टिन, एजाडेरेक्टिन, बवेरिया, इमिडाक्लोप्रिड, थायमेथॉक्सिम, फिप्रोनिल, लेमडा साहेलोथ्रिन, ये रसायन हैं। तो इनका प्रयोग करके हम प्याज में थ्रिप्स को नियंत्रित कर सकते हैं। कोशिश यही करें कि बहुत ज़्यादा मिक्सिंग ना करें, दो रसायनों को एक साथ एक बार में प्रयोग करें, और आपको 7 से 10 दिन में रिपीट तो करना ही पड़ेगा, अब जैसा मौसम है इसमें। तो इनका आप शेड्यूल बना लें किसी विशेषज्ञ से चर्चा करके कि किसका कॉम्बिनेशन किसके साथ बन सकता है। नीम तेल का प्रयोग आप करें तो अच्छा है। बवेरिया अगर मौसम अनुकूल है तो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। इमामेक्टिन, एबामेक्टिन, स्पिनोट्रैम, स्पिनोसाइड का प्रयोग किया जा सकता है। आप अपनी बजट के अनुसार इनको अपने स्प्रे शेड्यूल में शामिल कर सकते हैं। और अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात पे कि स्प्रे कैसे करें ताकि हमको बेहतर रिजल्ट मिले। तो सबसे पहला पॉइंट है कि स्प्रेडर, स्टिकर, चिपको इत्यादि का इस्तेमाल इनके साथ ना करें तो बेहतर है, क्योंकि हर दवाई के साथ में उसका स्प्रेडर मिक्स रहता है। अगर आप एक्स्ट्रा मिलाते हैं तो होता ये कि दवाई अपने टारगेट साइट तक नहीं पहुंच पाती, इधर उधर ही फैल जाती है। टारगेट साइट कौन सी है थ्रिप्स की? आप देखेंगे कि पत्तों के बीच में थ्रिप्स इकट्ठा होता है, जहाँ से नए पत्ते निकलते हैं। दवाई का वहाँ तक पहुँचना ज़रूरी है। अगर दवाई वहाँ पहुँचती है तो ही बेहतर रिजल्ट आएगा। तो स्टिकर स्प्रेडर का प्रयोग ना करें, पहली बात है। दूसरी बात यह है कि पानी लगाने से पहले स्प्रे करने से बचें। पानी लगाने के 1 या 2 दिन बाद जैसे ही भराप आता है तब स्प्रे करें तो आपकी दवाई का रिजल्ट बेहतर आएगा। तीसरी बात यह है कि ठंडे मौसम में स्प्रे करें, दोपहर के बाद शेड्यूल करें अपना स्प्रे कि दोपहर के बाद ही स्प्रे हो। अगली बात जरूरी यह है कि पानी की मात्रा बीघे में कम से कम 100 लीटर पानी आपका कम से कम जाना चाहिए ताकि दवाई अच्छी प्रकार से पौधे के गोसे तक पहुँचे। तो पानी की मात्रा भी बहुत ज़रूरी है। तो हमने देखा कि स्प्रेडर का प्रयोग नहीं करना है, पानी देने के बाद स्प्रे करना है, दोपहर के बाद स्प्रे करना है, पानी की पर्याप्त मात्रा का इस्तेमाल करना है। और अगर आपके यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ रही है, पौधे बहुत नाजुक नहीं हैं, यूरिया का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा नहीं किया है, तो आप स्प्रे शेड्यूल में सल्फर, जो WP 80% आता है, उसका 1-2 बार उसको शामिल कर सकते हैं, ताकि उसका भी रिजल्ट थ्रिप्स को डायरेक्ट किलिंग में आता है, उसकी संख्या बढ़ने से रोकता है। बहुत ज़्यादा असर तो नहीं आएगा लेकिन सपोर्ट अच्छा मिल जाएगा उसको। तो मेरे ख्याल से ये जानकारी आपके काम आएगी। आप अपने सवाल कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वेक्टर से जुड़ने के लिए धन्यवाद।